और देवेन चौकसी को जोड़ लेते हैं, डी आर चौकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं देवेन जी। देवेन जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले ये जो आरबीआई ने अभी रिसेंटली एक्शन लेने शुरू किए हैं एनबीएफसीज पर, इससे आपको कोई मार्केट स्पेसिफिक रिस्क लग रहा है या ये सिर्फ जो दो तीन एनबीएफसीज की बात हुई है सिर्फ वहीं तक लिमिटेड है ये? So, no, as of now, I don't think that I think we should generalize कि I think हर NBFC को एक ही तरीके से देखा जाए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज है वो इरेगुलरिटीज को आई थिंक कंट्रोल में लाने के लिए RBI के एक्शन दोनों NBFC के ऊपर जो आया है वो शायद आई थिंक लिटिल बिट अनफॉर्चुनेट, बट एट द सेम टाइम आई थिंक इट इज लार्जली इंटेंडेड फॉर ब्रिंगिंग द सिस्टम अप। तो मैं नहीं मानता हूँ कि उसके अंदर कोई ज्यादा दूसरे बैंक को या दूसरी एनबीएफसी को कोई असर होना चाहिए। ऑन द कंट्री मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल जैसे बजाज फाइनेंस जैसी एनबीएफसी है जिन्होंने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी हद तक अपने प्रोडक्ट ऑफरिंग्स को कंप्लायंट रखे हैं रेगुलेटरी एस्पेक्ट के साथ में, और उनके गवर्नेंस भी काफी हद तक बेटर रहे हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इन दिस पीरियड प्रॉबेबली सम ऑफ द स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज विल गेट रिलेटिवली बेटर प्रेफरेंस। ऐसा समझ के चलते हैं कि आई थिंक गिवन द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी दैट विल गेट क्रिएटेड बिकॉज ऑफ ये जो कपल ऑफ एनबीएफसीज को आई थिंक थोड़ा यहाँ पे रुकावट आई है, उसमें आई थिंक स्ट्रॉन्गर एनबीएफसीज के लिए बेनिफिट ज्यादा रहेगा। दे वुड बी इन अ मच बेटर पोजिशन टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स टू देम बिकॉज ऑफ देयर सस्टेनेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी एज फार एज आई थिंक देयर बिजनेस ऑपरेशन इज कंसर्न। अच्छा, दूसरी तरफ बैंकों में काफ़ी शानदार मोमेंटम बनाया है ऑफ लेट। देवेन जी, बैंकों में लार्ज प्राइवेट बैंक्स में क्या ये अपॉर्चुनिटी है अब इस समय फ्रेश बाइंग करने की? मैं अनु जैसा समझ के चलता हूँ कि आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस बैंक्स प्राइवेट बैंक्स कॉर्पोरेट बैंक्स के अंदर करीबन सालाना 20 या 25% के बीच के रिटर्न हम लोग पकड़ के चलते हैं। सो इन सच सिचुएशन व्हेन द मार्केट गिव्स अपॉर्चुनिटी एट लोअर लेवल्स दैट्स अ बेस्ट टाइम। नाउ टुडे आई थिंक सम ऑफ द स्ट्रॉन्गर प्राइवेट सेक्टर बैंक आर अवेलेबल एट अ वैल्यूएशंस व्हिच इज क्वाइट कंपेलिंग। एट द सेम टाइम आई थिंक जिसके वैल्यूएशन थोड़े से डिसेंट है वहां पे भी आई थिंक अपॉर्चुनिटी कंपेलिंग है, क्योंकि एक तरफ देखे तो लायबिलिटी साइड आई थिंक हैज रिमेन स्ट्रॉन्गर फॉर दिस बैंक्स पर्टिकुलरली द कैसा रेशियो एक्सेप्ट एचडीएफसी बैंक पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द रीजंस, बट रेस्ट ऑफ द बैंक्स के अंदर कैसा रेशियो इज ऑल्सो रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग। एट द सेम टाइम आई थिंक द लैंडिंग बुक इज सिस्टमेटिकली एंड कॉन्स्टेंटली ग्रोइंग फॉर देम इन द विसिनिटी ऑफ अराउंड 18-20%। सो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक ये बैंक के लिए अच्छा समय जा रहा है। I would probably buy when the market is neglecting them at a corrected valuations. I think that would be a best opportunity to buy into. And all three or four corporate sector, private sector banks which are available, they are relatively available at an opportunity of around 15-20 or 25% upside 1 year forward. आज देवेंद्र जी इस कार्यक्रम में हैं और अनुज, आज बड़े दिनों बाद ऐसा लग रहा है कि डेरिवेटिव्स की पिक्चर कुछ अलग ही है। टॉप गेनर इन डेरिवेटिव्स आईसीआईसीआई बैंक, सेकंड टॉप गेनर कोटक महिंद्रा बैंक, थर्ड एक्सिस बैंक। आई मीन ये दिन कंप्लीटली बैंक निफ्टी को बिलोंग करता है एंड इट्स 48059, 48050। दैट मीन्स अब निफ्टी बैंक सडनली जिस दिन कार्नेज हो रहा है निफ्टी मिड कैप में, स्मॉल कैप में, अपने ऑल टाइम हाई से मात्र 500 दूर है। शानदार मूव, शानदार मूव। देवेन जी, पिछले 10-11 दिन में जो जो चीज़ें नेगेटिव हुई हैं या फिर नेगेटिव न्यूज़ फ्लो ने इम्पैक्ट डाला है उसमें बहुत सारी थे। आई मीन चाहे वो NBFCs हो, एक गोल्ड फाइनेंस कंपनी हो, कल RJM का जिक्र हो गया, एक और स्पेस जिसने स्पेस ने बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट करी, ये थे हॉस्पिटल सेगमेंट। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद जिस तरीके से आई थिंक डैमेज हुआ है पिछले 4-5 सेशन में प्राइस डैमेज, आप लोग इस स्पेस में कमिटेड थे क्या और आप लोगों ने फ्रेश व्यू क्या लिया है बदले हुए माहौल में? सो वीरेंद्र, आई थिंक हमें हमेशा एक चीज का एहसास था कि हॉस्पिटल स्पेस के अंदर वैल्यूएशन काफी हद तक स्ट्रेच हुआ है इन द सेंस दैट आई थिंक दे हैव बीन रीजनेबली कोटिंग एट अ प्रीमियम वैल्यूएशन। इवन दो हम मान के चलते हैं कि नए हॉस्पिटल बेड्स आने की सबके पास एक प्रोग्राम है, सब लिस्टेड कंपनी के पास एक रोड मैप अहेड है, बट एट द सेम टाइम आई थिंक दे आर ऑल कटिंग एट एन एडिक्वेटली हाई वैल्यूएशन पर्टिकुलरली आई थिंक इफ यू आर लुकिंग एट नेक्स्ट 2 ईयर्स। तो हमारा व्यू वहां पे बना है कि अभी भी वैल्यूएशन करेक्ट नहीं हुआ है इतने जो इतने होने चाहिए। मे बी आई थिंक लास्ट 2-5 दिन के अंदर जो थोड़ा बहुत सॉफ्टनिंग हुआ है, बट आई वुड स्टिल फील दैट आई थिंक द वैल्यूएशन आर नॉट करेक्टेड।
In my understanding, I think this business is capital intensive business. And whenever the valuation gets corrected, then you create the headroom 20 से 25 टका कमाने के लिए. अदरवाइज आई थिंक स्टेज वैल्यूएशन के ऊपर आप देखते तो मोमेंटम का ध्यान देना पड़ता है. अगर मोमेंटम मार्केट में ब्रेक हुआ तो ये आपने को इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के अंदर आई थिंक कमाने नहीं देगी. दैट इज वाई आई बिलीव दैट आई थिंक वेन द मार्केट गिव्स अ फॉल प्रोबेबली एट दैट टाइम हॉस्पिटल स्टॉक्स विल बी द बेस्ट वन टू बाय इन द पोर्टफोलियो. हॉस्पिटल स्टॉक्स. हर अच्छा इसी स्पेस पे रहते हैं, आई मीन निफ्टी फार्मा और हेल्थ केयर पे. देवेन जी, अब सबसे बड़ी बात यही होने लगी है कि जो शॉर्टफॉल यूएस में मेडिसिंस का है वो भारतीय कंपनियों के लिए एंड यूएस जेनरिक बाजार में अच्छी प्रेजेंस रखने वाली कंपनियों का बाजार है ये. आपका सर फार्मा पे आउटलुक अब इस वक्त, और अगर स्टॉक स्पेसिफिक होकर बता पाएं तो 3-4 स्टॉक्स जो कि आप बहुत कंफर्टेबल है जहाँ पे लॉन्ग स्केल प्रोस्पेक्टिव से, या फिर जहाँ पे आपको उम्मीद है अच्छा पैसा बनेगा फार्मा में. So we have been continuously, I think, remaining positive on some things like Sun Pharma, Cipla, Dr. Reddy's, even to an extent Divi's. I think though Divi's has not as performed as much, but I think the other three companies, jiski maine baat ki, wahan pe already I think we have seen the performance to a greater extent. Maybe I think market has rewarded these stocks, I think, because they are already re-rated now. शायद आई थिंक अपसाइड कंपेरेटिवली कम रहेगा कंपेयर टू व्हाट इट वाज अवेलेबल इन द लास्ट फ्यू क्वार्टर्स. सो टू दैट एक्सटेंड आई थिंक वन कैन पॉसिबली से दैट आई थिंक द अपसाइड इमीडिएटली इन द शॉर्टर टर्म विल बी लेस. बट लुक एट द बिजनेस मॉडल ऑफ दिस कंपनीज, आई थिंक दे आर इन टू द स्पेशलिटी जेनरिक्स बिजनेस. वहाँ पे उनको कंपेरेटिवली द प्रोडक्ट के प्रीमियम वैल्यूएशन उनको ज़्यादा मिलते हैं, एंड टू अ ग्रेटर एक्सटेंड आई थिंक दैट इज सजेस्टिंग दैट दे आर गेटिंग बेटर मार्जिन ऑल्सो. सो मेरा ऐसा मानना है कि आई थिंक जो फ्रंटलाइन 3 या 4 कंपनी है जिनके अंदर हमें ज़्यादा विश्वास है कि दिस कंपनीज आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू मीट द चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द जेनरिक एनवायरमेंट ऑफ यूएसए एफडीए एंड ऑल, एंड एट द सेम टाइम आई थिंक हैविंग द प्रीमियम प्रोडक्ट इन द पोर्टफोलियोज कंटिन्यूसली ब्रिंगिंग एडिशनल स्पेशलिटी जेनरिक प्रोडक्ट्स इज गिविंग देम कंपेरेटिव एज ओवर द पीयर्स इन द मार्केट. सो वी रिमेन हम ज्यादा उसके ऊपर कॉन्फिडेंट ज्यादा रहते हैं इन 3 या 4 कंपनी के ऊपर. बट एज आई सेड थोड़े भाव दाम बढ़े हैं स्टॉक के, तो शायद इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी कम दिख रही है. ये भी मार्केट में करेक्शन आता है तभी लेते हैं, तो आई थिंक अप्रिसिएशन की अपॉर्चुनिटी शॉर्ट टर्म में बेटर मिले. मीनवाइल बैंक निफ्टी अब 600 पॉइंट ऊपर 48,150. क्या ऑल टाइम हाई लगाने के मूड में है आज बैंक निफ्टी? पॉसिबल है, आज एक्सपायरी भी है और ट्रेंड है आज अभी तक. एक आखिरी सवाल देवेन जी, लार्ज कैप आईटी में कल एक नेगेटिव रिपोर्ट आई, आज एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई, हम डिस्कस करेंगे उस पर, लेकिन आपका क्या व्यू है अब लार्ज कैप आईटी पर? सो फंडामेंटली अनुज, हम काफी हद तक ये स्पेस के ऊपर बुलिश है. हमें एक चीज का एहसास है कि यहाँ पे जो क्लाउड कंप्यूटिंग और अभी AI AGI के ऊपर जो फोकस बना है, तो सम ऑफ दिस कंपनीज आर विनिंग सम ऑफ द लार्जर कॉन्ट्रैक्ट्स और दे विल कंटिन्यू टू विन the larger contracts going forward in next quarters also. So visibility of execution काफी हद तक ये कंपनी के अंदर अगले क्वार्टर्स के अंदर ज्यादा देखने मिलेगी. बट मैं ऐसा समझता हूँ कि टू ए सर्टन एक्सटेंट आई थिंक इसके अंदर प्राइस करेक्शन आना जरूरी बनता है, बिकॉज दिस कंपनीज आर कंपेरेटिवली आई थिंक प्राइस टू परफेक्शन के रूप में चलती रहती है जनरली. और यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो अगले फ्यू क्वार्टर्स के अंदर बिफोर फ्यू क्वार्टर्स आई थिंक वेन द स्टॉक्स आर अवेलेबल एट कंपेरेटिव वैल्यूएशन एडवांटेज, उसका ये एडवांटेज आज की तारीख में दाम बढ़े तो नहीं है. ये भी थोड़ा बहुत प्राइस में करेक्शन आता है लाइक्स ऑफ TCS और इंफोसिस के अंदर, देन प्रॉब्ली हेडरूम विल गेट क्रिएटेड फॉर 15-20% काइंड ऑफ एन अप मूव. बट एज ऑफ नाउ आई बिलीव दैट आई थिंक दे वुड प्रॉब्ली गिव सम काइंड ऑफ अ करेक्शन ऑन द डाउन साइड, एंड दैट इज वेयर प्रॉब्ली वी विल हैव टू लुक एट द अपॉर्चुनिटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, चलिए फिर देवेन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. और